हैं जल्दी से जल्दी, और अब आपको एयरपोर्ट पर दिखाते हैं। और वक्त बहुत जल्दी बीत गया, देखते हैं कैसे हुआ, पता भी नहीं चला कहाँ। अब यूएस में ज़्यादा जाम लगा हुआ है यहाँ पे। बस पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट, और काफ़ी टाइम में एक्स्ट्रा लेके चला था, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आज इत्तेफाक था ऐसा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं था, अदरवाइज़ कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं। पर अब पहुंच ही गए तो आपको दिखाते हैं, अब एयरपोर्ट में मिलते हैं बोर्ड वोर्ड करके। ऑलमोस्ट आ गए, अब बस चेक इन करने का टाइम हो गया, बैगेज और बोर्डिंग पास लेके फिर हम निकलते हैं। बोर्डिंग हो गई है, निकल रहे हैं हम लोग बाहर के। पहुंच गए न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे, पहुंच गए, इमिग्रेशन चेक हुआ। मैं इत्तेफाक से नहारी लेके जा रहा था, वैसे मीट में चिकन अलाउड है, नहारी थी, मटन की वो अलाउड नहीं है। नहारी ली और फेंक दी, लेकिन आपको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है ना आप डिक्लेयर कर दो। ये सब वे सब कैफेटेरिया सब बंद है क्योंकि बहुत जल्दी आई है मैं फ्लाइट। कॉफ़ी मिल रही है, कॉफ़ी लेनी है, कॉफ़ी लेने के लिए साउथ में आया हूँ, कॉफ़ी लेके आगे चलते हैं। भीड़ लगी पड़ी है और बस अब लेके निकल। ये देखिए, ये चाचा यहाँ पे शू पॉलिश कर रहे हैं, ये शू पॉलिश स्टेशन है पूरा। बस अब अपने न्यूयॉर्क टू बॉस्टन वाली फ्लाइट लेने के लिए निकल गया हूँ। काफ़ी टाइम है अभी बॉस्टन की कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए न्यूयॉर्क में। Thank you.
फाइनली बॉस्टन पहुंच चुके हैं और अब बस चल रहे हैं बैगेज लेते हैं और एग्जिट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे कार्ड फ्री नहीं है, ये रेंटल है। $6 पुट योर कार्ड इन गेट द कार्ड आउट। फाइनली पहुंच गए हैं ओवरलो ब्रिज। फाइनली पहुंच गए हैं और 22 घंटे की फ्लाइट होती है, बहुत थका होता है आदमी। हम लोग बस खुश ही हैं और बाकी सारे फ्लॉग्स आने वाले उसके बाद आएगा या शायद ये बीच में आएगा या मैं एंड में ही डालूंगा। अभी कीप वॉचिंग। नेक्स्ट डे हो चुका है और दोपहर में सो के रात में उठ रहे हैं, यही स्केड्यूल हो रहा है क्योंकि टाइम का ऑब्वियसली टाइम चेंज हुआ है, लेकिन अभी टाइम साइकिल पे प्रॉपर पहुँचे नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ कुछ ग्रॉसरी लेने, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेल बॉक्स। मेल्स क्या होते हैं, इतने सारे मेल आते हैं लेटर्स, वो पूरा भर जाता है। आई एम श्योर पूरा भरा होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक महीने में ये हुआ है और कुछ मेल्स वापस भी जा चुके हैं, ऐसा नहीं है यही है सर मेल्स के लिए। और अब मैं जा रहा हूँ कुछ ग्रोसरीज लेने। कल से जब से हम लोग आए हैं बारिश हो रही है रेगुलर, लगातार बार बार खड़ी हुई है। चलते हैं अब ग्रोसरी। अब आने के बाद सबसे पहले जो होता है आप ग्रोसरी लेने जाते हैं, तो वही कुछ है हमारे साथ भी। और अब चलते हैं ग्रोसरी लेने, ग्रोसरी लेके आते हैं बस और व्लॉग को तो एंड कर ही देंगे। लाइट से कैसा लग रहा है। एक कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूँ मैं जल्दी। ईस्टर आने वाला है, मेरे ईस्टर एग। ईस्टर एक क्रिश्चियन रिलीजियस हॉलीडे है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। हर चीज़ के ऊपर ईस्टर एग बना होता है, जब सीज़न आता है ना तो जो फेस्टिवल होता है उसी के वो चीज़ें बनी होती है। तो ये एग बना हुआ है, ईस्टर एग। ईस्टर एग्स ये सारी टर्की बेकन और बीफ जो चीज़ है इसके अंदर, ये देखिए प्लांट बेस्ड है। इसमें कोई भी एनिमल यूज नहीं हुआ है, प्लांट बेस्ड है।
दिन से जब से आया हूँ बारिश ही हो रही है। इस व्लॉग को एंड करने का, अमेरिका वापस आ चुके हैं, बारिश हो रही है कल से, और कल से सो सो के अब उठने का टाइम मिला है, और अभी ग्रोसरीज लेकर आया मैं वापस, और अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, वापस आते रहेंगे व्लॉग्स, और अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा कंसिस्टेंट रहूँ, क्योंकि इंडिया जाके अब ऐसी बात है इतना कुछ आप बिजी रहते हैं छोटे से टाइम के लिए, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया, एडिटिंग का टाइम बेसिकली नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ व्लॉग्स, बट अब जल्दी जल्दी व्लॉग्स आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।